हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए ट्वेल्थ का समाकलन पढ़े, उसमें डे थ्री का क्लास होगा 7.3। तो हम पहले पढ़ेंगे 7.3, जो भी प्रश्न है थोड़ा उसमें अवकलन का प्रयोग होगा तो उसको हम पहले हम पढ़ेंगे आज आउट ऑफ बुक, मतलब बुक से बाहर का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम बताएंगे। उसके बाद घर पर ईमानदारी पूर्वक कल स्वयं आप हल करके कोशिश करेंगे और देखेंगे आपको उसमें बहुत सा क्वेश्चन बनेगा। और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। तो फर्स्ट देखिए, इसमें ध्यान आपको क्या रखना, दो तीन पॉइंट जो होगा आपको ध्यान रखना है। जैसे ये कोई भी अगर मानते हैं समाकलन, देखिए 7.2 बनाने से पहले जो निर्देश दे रहे हैं स्मरणीय तत्व, यानी याद रखें जो, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, यदि समाकलन में कुछ उभयनिष्ठ हो, यानी कुछ निकलेगा उभयनिष्ठ, उसको हम निकाल लेंगे। याद रखेंगे पहला पॉइंट क्या करना है आपको, यदि समाकलन में कोई चीज उभयनिष्ठ हो तो वो हम पहले कॉमन लेंगे। दूसरा चीज आपका देखेंगे दो पद होगा आपका, जो भी 7.2 अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें दो पद है, तो आपको देखना क्या है, एक का अवकलन दूसरा होगा। मान ले तो इसका अगर मानते देखिए कुछ भी अगर मानते एक्स स्क्वायर है, नीचे अगर मानते 1+x³ है, तो देखिए अगर इसको मानते हैं 1+x³ को तो जानते हैं एक्स स्क्वायर आ जाएगा dy/dx। तो ये चीज दूसरा याद रखना आपको, किसका dy/dx, एक पद का dy/dx दूसरा पद आएगा आपको याद रखना, यानी आगे गुणांक आ जाए वो आपका कोई माने नहीं है, बट ये जो होगा आपका आएगा। तीसरा रूट वाला आपको मान लेना हमेशा, रूट में जैसे अगर इस तरह से बराबर हो तो रूट वाला को हमेशा मान लेना, जब भी मानेंगे तो वो मान लेना, वो बता रहे हैं अभी क्या करना है, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तथा पॉइंट यानी फलनों का फलन, जैसे देखेंगे साइन और कॉस है एक्स, देखिए साइन का यहाँ पर अपना एक्स नहीं है, उसमें इसको हम मान लेंगे वाई, उसमें क्या होगा इसको मान लेंगे वाई। तो उसके बाद डिटेल जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको अपने आप समझ में आएगा ये सब कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और इसको बनाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, समाकलन मान लिया कहा आपका तो देखिए इसमें दो पद आपका आ रहा है, एक ऊपर में लेते हैं 3x² है और एक है 1+x³। तो देखिए अगर 3x² को y मानेंगे तो dy/dx क्या होगा, ये आपको अच्छी तरह सिखाया गया, तो dy/dx आएगा 6x आएगा, 6x तो नीचे है नहीं, अगर जब इसको मानेंगे तो क्या आएगा आपका 3x² आएगा। तो ये याद रखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रोसेस जैसे बता रहे उस तरह आपको बनाना होगा। माना y बराबर 1+x³, तो देखते हैं dy/dx बराबर, देखिए ये एक का अवकलन यानी dy/dx अभी पढ़ रहे हैं, समाकलन फिर हम करेंगे लेकिन सबसे पहले इसमें अवकलन करना होगा, तो एक का हो जाएगा 0+x³ का 3x² अवकलन का वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका देखेंगे, यहां से हम करेंगे dx को स्क्वायर करने, देखिए dx नीचे है उधर ऊपर आपका हो गया बराबर dy/3x², तो इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद पुनः देखिए आपको क्या करना, जो प्रश्न आपको दिया हो वो लिखेंगे 3x² / 1+x³ dx बराबर, देखिए जो आप माने उसका मान रखेंगे, 3x² को कुछ नहीं माने तो ऐसे रहने दीजिए, 3x² / इस पूरे को हम क्या माने हैं, देखिए आप पूरे को y माने गुने dx का मान क्या है आपका dy/3x², तो देखिए ये आपका कट गया, तो क्या है आपका देखेंगे तो आपका है 1/y dy बराबर 1/y, हम जानते हैं क्या होता है log y, तो log y प्लस c। अब पुनः अंत में क्या करेंगे, जो भी y का मान माने वो आप रख दीजिएगा, तो जगह log 1+x³ + c। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं आपका,
ये आपका आंसर आएगा। प्रोसेस आपको समझवा रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों को भी, जिससे क्या होगा उनको भी पढ़ने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दो नंबर उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण बना के इस तत्व को अच्छी तरह समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो जरूर देखें पूरा और घर पे स्वयं ईमानदारी पूर्वक जो भी है 7.2 बनाने की कोशिश करें। इससे आपको अपने आप समझ में क्या आपको समझ में आया था या नहीं आया था, चूंकि नहीं बनाएंगे तो आपको इसमें समझ सिर्फ वीडियो बनाने से वीडियो देखने से मैथ काम नहीं चलेगा, मैथ आपको खुद बनाना ही होगा। तो देखते हैं दो नंबर उदाहरण अगर हम ले लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्या आपका दो पद है, log x है एक x है, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, तो हमको एक से मतलब नहीं था, log x लाना चाहिए था। log x को अगर मानते हैं तो क्या हो जाएगा एक बट्टा x आ जाएगा। तो देखते हैं एक बट्टा x तो है, तो मतलब स्पष्ट हमको मानना होगा log x। देखते हैं माना y बराबर log x, पूरा घात चार नहीं मानिए सिर्फ log x को मानिए, y बराबर log x पर log x हो गया आपका dy by dx बराबर देखिए आपका एक बटा x, log x का फलन एक बटा x, या dx यहां जब साइड करेंगे तो dx ऊपर गया आपका, ये क्या गया भाग इधर गुना हो जाएगा यानी x dy। यहां से सबसे पहले क्या मानना आपको बनाने के बाद अच्छी तरह समझ आया, ऐसे आपको पहले बता चुके हैं क्या करना कहां। तो यहां से dy by dx निकाल के dx को साइड करना होगा, तो dx को जब हम साइड करेंगे पुनः प्रश्न जो भी है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न आपका क्या था, log x पर पावर 4 बटे x dx बराबर, आप जो माने हैं उसकी जगह रख दीजिए, जैसे इसको y माने तो y पर पावर आपका 4 बटे x को नहीं माने तो x गुने dx, देखिए यहां से निकालेंगे तो dx बराबर क्या हो गया x dy, तो देखिए x x कट गया तब तो y के रूप में आ जाएगा, यानी y पर पावर देखिए 4 तो 4 एक 5 बटे 5 प्लस सी, तो क्या करेंगे y बराबर का log x है, तो log x पर पावर 5 बटे 5 प्लस सी। तो इस तरह से दो नंबर क्वेश्चन देखिए, आप टेक्स्ट बुक का जो है प्रश्न उसी को आधार बना के हम बना रहे हैं, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी और समझ भी आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आपका तीन नंबर क्वेश्चन। तीनों देखिए क्वेश्चन 1 बट्टा x प्लस x log x, यहाँ पर ध्यान देंगे पहले नीचे में x कॉमन जाएगा, ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब सबसे पहले अगर कुछ कॉमन जाएगा तो उसको हम कॉमन करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाता 1 बट्टे x, दोनों में कॉमन लेते x इंटू 1 प्लस log x dx। तो यहाँ पर देखिए दो पद x और एक 1 प्लस log x, यदि 1 प्लस log x को मानेंगे तो 1 बट्टा x आ जाएगा, क्यों एक का अवकलन 0 हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1 बट्टे x, इस तरह से आ जाएगा। अगर x को मानते तो एक आएगा लेकिन ये तो आपको बचा रह जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना ये आपको मानेंगे तो एक तो आएगा लेकिन ये तो बचा रहेगा, इसलिए ये दो पद लेते हैं x 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x को मान लेते हैं, माना y बराबर 1 प्लस log x। अब यहां से देखिए dy by dx जीरो छोड़ देते हैं आपका, एक का जीरो डायरेक्ट कर देते हैं, log x का 1 बटे x, या dx बराबर देखेंगे ये आपका ऊपर इधर हो जाएगा x dy, पुनः हम कर देते हैं आपका 1 बटा x इंटू 1 प्लस log x dx बराबर, ध्यान दीजिए 1 बटे x कुछ नहीं माने गुने इसको क्या माने आप y, फिर आपका यहाँ dx एक्स की जगह x dy, तो देखते हैं x x करके आपका 1 बटा y dy, 1 बटा y जानते हैं क्या हो जाएगा आपका log mod y, log mod y प्लस c बराबर, अंत में फिर क्या करना आपका log y का मान रख देना, y का मान देखते हैं x प्लस सॉरी y का मान 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c, कुछ जो भी आपको बताया गया वो चीज को फॉलो करें, हम आपको टेक्स्ट बुक का पूरा हल देंगे प्रत्येक पार्ट का,
आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, इसके लिए टेंशन ना ले। लेकिन प्रत्येक वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैथ है यहाँ आपका एक क्लास छूटने के बाद दूसरा क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके, अवकलन का एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, समाकलन का भी है, वहां आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक कभी फॉलो कर रहे हैं, कॉस एक्स कॉस साइन एक्स डीएक्स। तो देखिए अभी आपको जिसे बताए थे क्या करना है, आपको फलनों का फलन जब हो तो स्पेशल ध्यान रखेंगे, फलनों का फलन जो है साइन एक्स है उसी को मानेंगे। आगे जब डिटेल पढ़ेंगे तो कभी कहीं अपवाद होगा वो भी हम देख लेंगे। तो देखिए क्या होगा, साइन एक्स को मानेंगे तो कॉस एक्स है, फलों का फलन में देखिए कॉस को मानेंगे साइन आ जाएगा, लेकिन ये साइन कटेगा नहीं क्योंकि कॉस के लिए थीटा होगा, तो थीटा तो गुना होता नहीं जो कटेगा, इसलिए हम क्या करेंगे साइन को मान लेंगे। माना वाई बराबर साइन एक्स डी वाई बाय डी एक्स, साइन का जानते हैं डिवाइड एक्स का होता है कॉस होता है, या डी एक्स बराबर डी वाई बटे कॉस एक्स। तो यहां से देखेंगे आपका कॉस एक्स कॉस साइन एक्स डी एक्स बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस, ये साइन एक्स को माने तो वाई थे कॉस वाई इंटू डी एक्स की जगह आपका डी वाई बटे कॉस एक्स। तो ये देखिए आपका कट जाएगा, यानी कॉस वाई क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी समाकलन आपका कॉस वाई होता है सिर्फ साइन वाई, साइन वाई प्लस सी क्या होगा आपका साइन वाई का मान क्या होगा आपका साइन एक्स, साइन साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से देखिए चौथा और आज का अंतिम देखते उदाहरण, आप जरूर अपने घर पे कोशिश करें 7.2 बनाने का। तो देखते हैं उसमें 5 ले लेते हैं, तो यहाँ स्पष्ट है टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा 1 + x²। ये चीज याद होनी चाहिए, सूत्र याद रहेगा आपको, ये पाठ पढ़ने में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी, इसके लिए आपको सूत्र अच्छी तरह याद होगा तब। और दूसरा ऐसे भी बताए थे ई के लिए फलन होगा टेन इनवर्स एक्स, इसके लिए फलनों का फलन जो वीडियो अवकलन में है वो देख ले। तो देखिए इसमें मानेंगे क्या, माना वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, यानी हम कह सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1 / x², या हम कह सकते हैं डी एक्स बराबर ये भाग इधर गुना हो जाएगा 1 + x² इंटू डी वाई। अब मान लो प्रश्न आपका ई पर पावर 10 इनवर्स / 1 + x² डी एक्स, जब अवकलन होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा तो उस समय क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सब्जेक्टिव अच्छी तरह समझ में आ जाए तो अच्छी तरह आपको वो भी समझ में आएगा। तो देखते हैं ई पर पावर वाई बटे 1 + x² गुने 1 + x² डी वाई। तो देखते हैं ये कट गया आपका क्या, ई पर पावर वाई डी वाई, ई पर वाई, ई पर पावर वाई ये रहेगा प्लस सी बराबर आपका होगा ई पर पावर 10 इनवर्स x + c। जब ऑब्जेक्टिव होगा तो यहाँ से अपने आप समझ में आ जाता है, कर देते हैं चूंकि अभी सब्जेक्टिव समझ लेते, तो ऑब्जेक्टिव आपको जब भी सेट भी बनवाएंगे आपका क्रैश कोर्स भी होगा, सब प्रत्येक विषय क्रैश कोर्स करवाएंगे, तो ये आप इसके लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो इस तरह से आज महत्वपूर्ण हमने देखे आपका 7.2 के आधार, उस पर आधारित हम क्वेश्चन आपको बताए, आप अपने घर पे 7.2 बनाने की कोशिश करें। हम नेक्स्ट वीडियो आपका खुद ही सॉल्व करेंगे आपका, लेकिन खुद आप अपने आप को जांचने के लिए जरूर उस वीडियो को बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल वाके मैथ एंड साइंस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपका प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। धन्यवाद।